यानी कि हमारे हृदय को भी, हृदय को भी आप देखेंगे, आपके अपने अंदर जो सोच को भी देखेंगे, वो सोच इतना अनमोल लगता है कि हम उसे बहुत बड़ा मानते हैं। परिस्थिति से ज्यादा बचनों को हम आदर करने के बजाय बचनों से ज्यादा परिस्थिति को आदर करते हैं। आप अगर संसार में कभी सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो जो साधारण लोग होते हैं, साधारण क्रिश्चियन लोग, वो लोगों का जिनका बाइबल से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, हमारा पास्टर ऐसा कहा है, वो आदमी ऐसा कह रहा है, वो प्रचारक ऐसा कह रहा है, बोलेंगे कौन इंपोर्टेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई आदमी क्या कह रहा है वो इंपोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं वो इंपोर्टेंट है, मुझे क्या समझ में आ रहा है वो इंपोर्टेंट नहीं है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है वो इंपोर्टेंट है। लेकिन उनके हृदय में अनमोल वस्तु की तरह परमेश्वर का वचन से भी ज्यादा जब अपनी सोच कर रखे, प्रभु भले ही उद्धार का काम को पूरा किए हैं लेकिन अब भी तक वो बोल रहे हैं पापी है। एक पास्टर के पास किसी लेडी वचन सुनने गई थी, वो भी ऐसा कह रही थी कि हमें पापों से अंगीकार करना चाहिए तो पापों की क्षमा मिलेगा। तो पास्टर उसको एक गीत सिखा दिए, आप वो गीत जानते हैं क्या, मेरे पाप क्या धोवेगा प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू, है ना। पास्टर उसको ये गीत को सिखा दिए, कैसे सिखा दिए मालूम है, मेरे पाप क्या धोवेगा पाप क्षमा प्रार्थना, क्या है पाप की क्षमा प्रार्थना, ऐसा करके सिखा दिए, ऐसा कुछ सिखा दिए, है ना। तो वो गीत गाए, आप ये गीत गाइए सिस्टर बोले, तो वो गीत गाए, मेरे पाप क्या धोएगा पाप क्षमा का प्रार्थना। दो तीन बार गाने के बाद उसको अजीब लगा, पास्टर ऐसा नहीं है, मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू, है ना, ये गीत तो ऐसा है, आप गलत सिखा रहे, ओह तुम भी ये गीत जानते हो, तो पाप क्षमा कैसे होता है, यीशु के लहू के द्वारा। लेकिन किसी ने पहला योहन्ना 1:9 को लेके उल्टा उनको सिखा दिया है, इसलिए वो वचन का सही अर्थ ना समझते हुए, हाँ लिखा है ना, हम यदि अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए न्यायवान और धर्मी है, तो हमें क्या करना है, आओ हम पापों को माने, लगातार हर दिन प्रतिदिन करते रहते। ये वचन के अनुसार तो जो कोई पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना मांगेगा उसको क्षमा मिलेगा। आप लोग मांगते आए, कब क्षमा मिला, कब मिलेगा, ये कोई अनिश्चित रूप से विश्वास नहीं होता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन से होता है। और ये विश्वास क्या चीज है, विश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चित ज्ञान है ना, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो वादे हैं वो सत्य है, उसका निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं, वो निश्चित ज्ञान है। लेकिन पाप क्षमा प्रार्थना हम करेंगे तो क्षमा मिलेगा, ये तो अनिश्चित रूप से हर दिन करते रहते हैं, लेकिन कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। पर इस प्रकार हो के लोग जब वचन के सामने स्पष्ट रूप से आकर देखते हैं, परमेश्वर का मन को देख के उद्धार पाए हुए लोग भी हैं। इसलिए सच में हम जहां कहीं भी जाते हैं, इस सुसमाचार को जो प्रचार करते हैं, लोगों का जो सोच टूट जाता है, वो देख पाते हैं कि उनका सोच क्या है, वो धूल ही है, लेकिन उसे वो अनमोल वस्तु की तरह उसको समझ के रखे थे। लेकिन प्रभु के सामने जब जाते हैं वो अनमोल वस्तु नहीं है, वो धूल है करके जानते हैं। इसलिए प्रभु कहता है तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर फेंक दे उसके, और ये ओपीर का कुंदन भी नालों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान क्या होगा, तब सर्वशक्तिमान तेरा अनमोल वस्तु ठहरेगा और वो तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। परमेश्वर होकर भी उसको बहुमूल्य नहीं समझ पा रहे, क्यों, हृदय में एक झूठी वस्तु को अनमोल मानने के कारण। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वादा, वो कभी अधूरा नहीं होता है, वो पूरा ही होता है और पूरा हुआ ही है।